हेलो गाइस, मैं वर्ष और आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस, आज हमारे पास है नई वाली ओला की S1X और इस गाड़ी में आपको फिजिकल की देखने को मिल जाती है। भाई ये जो है अब तक का सबसे बढ़िया अपडेट मेरे को लगा। जितनी भी ओला आती है ना भाई, अभी तक टच स्क्रीन आ रही थी या तो फिर फोन से अनलॉक करना पड़ता था, लेकिन भाई साहब ये गाड़ी जो है आपको फिजिकल की वाली मिलती है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। बाकी ये गाड़ी आप देखो, आपको एग्जैक्ट जैसे दूसरी ओला आती है उसी टाइप की देखने मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको बहुत सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, लाइक 2, 3, 4 किलोवाट आवर तक की डिफरेंट बैटरी के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि भाई आपको अलग अलग रेंज दे देती है। एक देती है भाई 80 प्लस की रेंज, दूसरी देती है 140 प्लस की रेंज और तीसरी देती है भाई 180 प्लस की रेंज, वो भी रियल टाइम में। इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस 75,000 रुपीज़ से एक शोरूम से स्टार्ट हो जाता है, अप टू जो है 1 लाख तक जाता है। बाकी इस गाड़ी को आप देख रहे होगे ना, तो भाई ये गाड़ी जो है आपको थोड़ी सी ज़्यादा से रगेड फील हो रही होगी, क्योंकि जैसे मैं गाड़ी देखा तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये ज़्यादा ही अच्छी मेरे को फील हो रही थी गाड़ी देखने में। और इस गाड़ी का प्राइस सेगमेंट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है। और इस गाड़ी का मैं हेड की बात करता हूँ, सबसे पहले इस गाड़ी का हेड देखो, पूरे जो है प्रोजेक्टर वाले आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। DRLs अगर आप देख सकते हो पूरे सराउंड कर रहे हैं, वाइजर आपको छोटा सा मिल जाता है। ब्रेक लीवर्स वगैरह जो है आपको अलग से विजिबल रहेगा, वो चीज़ रहेगी। ये गाड़ी जो है 90 प्लस किलोमीटर पर आर तक की जो है टॉप स्पीड तक जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब 90 के आसपास जो है क्लॉक कर रखी, जो कि भाई अच्छी स्पीड है। बाकी फ्रंट आप फेसिया देखोगे इसका कुछ ऐसा देखने मिल जाता है, यहाँ पे ओला लिखा हुआ मिल जाता है। उसके साथ में इसमें आप देख सकते हो पैनल वगैरह कुछ आपको ऐसे देखने मिल जाते हैं। बाकी इसमें आपको डुअल टोन प्रॉपर आपको फिनिश मिल जाती है, मोर देन 6 कलर ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। 112 kg के आसपास का इस गाड़ी का कब वेट देखने मिल जाता है। जैसे अलग अलग बैटरी का ऑप्शन है तो उसमें भी आपको काफ़ी फर्क देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, इसमें 12 इंच के जो स्टील रिम देखने मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टर्न सिग्नल वगैरह पूरे LED वाले मिल जाते हैं। इस गाड़ी में कहीं भी हेलोजन का यूज़ नहीं किया गया है, हर जगह जो आपको LED मिल जाती है। बाकी इस गाड़ी में आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलता, इस गाड़ी में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। साइड स्टैंड की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। बाकी इसमें फाइबर पैनल की फिट एंड फिनिश मेरे को अच्छी लगी, कोई ऐसा इशू लगा नहीं मुझे। बाकी की जो है आपको कुछ ऐसी देखने मिल जाती है, और की जो है काफ़ी अच्छी है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल सी लगी मेरे को। सीट वगैरह भी आपको यहीं पास से ओपन करना रहेगा। अभी मैं इसका मीटर कंसोल चालू करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो है डिफरेंट मोड मिल जाते हैं, डिफरेंट बटन मिल जाते हैं, लाइक इसमें आपको इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड देखने मिल जाता है। अभी नॉर्मल पे लगी है गाड़ी। स्विचेस में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप अपनी हेडलाइट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, टर्न सिग्नल वगैरह आप देख सकते हो, बाकी हॉर्न वगैरह जो है आपके यहीं पास से कंट्रोल होंगे। और एक चीज़ और है, इसका जो ब्रेक लीवर वगैरह है, इसका फील फिनिश मेरे को अच्छा लगा, इसकी बाइट बहुत अच्छी है ब्रेक, मतलब ब्रेक जो है काफ़ी अच्छे मेरे को लगे। बाकी आपको यहाँ पे रिवर्स का हो गया, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी आप मोड चेंज करना चाहो, लाइक इसमें आपको जैसे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स मोड है, 75% बैटरी है, तो जैसे जैसे बैटरी चेंज होती आएगी उसके हिसाब से ये रेंज भी आपको शो करती जाएगी, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। बाकी इसका मीटर कंसोल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल आपको रहेगा वो चीज़ है। बाकी स्टार्ट का आपको अलग से यहाँ पे एक छोटा सा बटन देखने मिल जाता है, जैसे इसको आप टैप करोगे तो ये पार्क पे चली आएगी, या फिर जैसे स्टार्ट होने के टाइम पे ये वापस से जो है स्टार्टिंग के टाइम पे चली आती है। और यहाँ पे रिवर्स हो गया, वो सब आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। विजिबिलिटी इसके मीटर की अच्छी है। इसमें हैंडल बार थोड़ा सा मेरे को ऐसे वाइड टाइप का लगा, और इसमें जो ग्रिप वगैरह है वो थोड़ी सी और बेटर की जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यहाँ पे की वगैरह आप देख लो, और यहाँ पे ग्लव बॉक्स आपको 2 देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब यहाँ पे आप सामान रखना चाहो, फ़ोन वगैरह रखना चाहो, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो आप बड़े ही आराम से रख सकते हो। इस गाड़ी में आप देखोगे इस यहाँ पे सामान टंगाने की अलग से जगह देखने को मिल जाती है। इसका फुट पैड एरिया बिल्कुल फ्लैट वाला है, जो कि भाई ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। इसमें सामान वगैरह रखना चाहोगे तो भाई ऐसे कुछ ऐसे बैलेंसिंग का दिक्कत नहीं होगा, आराम से रखो, कहीं भी जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, ये चीज़ है। बाकी इस गाड़ी में आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है। जैसे 4 किलोवाट आवर बैटरी वाली आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, तो इस गाड़ी में आपको 6 किलोवाट आवर की पीक पावर मिल जाती है, जो कि भाई 8 साल की बैटरी वारंटी के साथ आती है। सीट वगैरह ओपन हो चुकी है, सीट जो है आपको आगे से ओपन करनी रहेगी। इसमें आप देख सकते हो 2 हाफ फेस हेलमेट रखे हुए हैं, और इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने मिल जाता है। नियरली आपको 34 लीटर के आसपास का बूट स्पेस देखने मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाते हैं, और बूट स्पेस से रिलेटेड आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस में मिल जाता है। बाकी जैसे IP67 रेटिंग वाली बैटरी वगैरह आती है, जो कि बूट के नीचे पर लगी हुई है, और इस गाड़ी में आपको जो है 6.5 घंटे के आसपास लगेगा पूरा फुल चार्ज करने में। बाकी इसमें आप देख सकते हो स्टिकर्स वगैरह कुछ ऐसे बने हुए हैं, काफ़ी बढ़िया तरीके से ऐसे लगा रखे हैं। और इसके अगर मैं बात करता हूँ तो 160 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें आपको रियर में भी डुअल सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। इसमें हब मोटर देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो, अलग से समझ में आ रही होगी आपको। 805 mm के आसपास की इस गाड़ी की सैडल हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी टेल पैनल में आपको दिखाऊँ, जहाँ पे S1X लिखा हुआ वहाँ से आपकी गाड़ी चार्ज होगी। उसके साथ इसमें देख सकते हो टेल पैनल कुछ ऐसा देखने मिल जाता है, टर्न सिग्नल हो गया, मडगार्ड वगैरह आप देख सकते हो, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिल जाती है। उसके साथ जो इसका रियर वाला टायर साइज है, ये आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, और आपको रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। रियर में भी आपको डुअल सस्पेंशन मिल जाता है, फ्रंट में भी डुअल सस्पेंशन मिल जाता है।
बाकी आप देख सकते हो साइड पैनल ये सब की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी, इसमें डुअल टोन फिनिश देखने मिल जाता है, तो वो सब चीज़ें भी आप देख ही सकते हो। बाकी कैसी लगी आपको गाड़ी सबसे पहले भाई कमेंट में ये चीज़ बता देना। भाई साहब मुझे क्या लगता है ना, अब तक जितने भी ओला की स्कूटर आई हैं तो उनमें सबसे प्रैक्टिकल जो है स्कूटर मुझे यही लगी, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस काफ़ी अच्छा रखा गया, उसके साथ में इस गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह काफ़ी बढ़िया है, देखने में गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, और जो मेजर चीज़ है भाई इस गाड़ी में आपको डिफरेंट बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, तो आप जो है डिफरेंटली मतलब जो आपको चूज़ करना हो, लाइक जैसे 2 kWh की बैटरी है, 3 kWh की बैटरी है, 4 kWh की बैटरी है, तो आपको जो आपको लेनी हो आप वो ले सकते हो। उसके साथ में भाई इस गाड़ी में आपको फिजिकल की देखने मिल जाती है, जो कि भाई मतलब सिक्योरिटी कंसर्न से देखा जाए तो मुझे अभी के टाइम पे लगता है थोड़ा सा ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि ऐसा कुछ ऐसा इशू होता नहीं टच स्क्रीन वगैरह से भी, लेकिन ये चीज़ अभी कंपनी ने दे दी है तो ये ज़्यादा बेटर है। बाकी इस गाड़ी को आप लेने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले गाड़ी जा करके देखो, चला करके देखो, बाकी एजेंसी की डिटेल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर देता तो आप वहाँ पर सिंपली जा करके गाड़ी चला करके देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।